हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल गोरखपुरी स्टाइल में स्वागत है और मैं हूँ सोनी। तो आज बनाई थी मैंने प्याज की कचौड़ी, क्योंकि बरसा बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और इस समय ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पकौड़े कचौड़ी या ज़्यादा पसंद आता है। और मेरे बच्चों को ये प्याज और आलू की कचौड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो सुबह के नाश्ते में बनाया था मैंने, तो सबसे पहले मैंने गेहूं का, वैसे तो कचौड़ी मैदे का बनता है लेकिन मैंने गेहूं के आटे का बनाया था ताकि थोड़ा हेल्दी रहे। तो मैंने आधा किलो के लगभग गेहूं का आटा लिया था, उसमें एक चम्मच भर के अजवाइन जो है क्रश करके डाल दिया था और 4 चम्मच मैंने घी डाला था, आधा चम्मच नमक डाला था। और सारी चीज़ों का आप चाहें तो घी की जगह जो है रिफाइन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस सरसों का तेल मत इस्तेमाल करें। और सारी चीज़ों को पहले अच्छे से दोनों हाथ से मिला लेते हैं कि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाए, और मुट्ठी में बांध के देखें, अगर बन जाए तो समझिए कि हमारा मोयन सही है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को जो है अच्छे से गूँथ लेते हैं, ना ज़्यादा टाइट आटा रहेगा ना ज़्यादा मुलायम आटा रहेगा। तो आटे को गूँथ के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं, अगर चाहे तो तुरंत भी बना सकते हैं क्योंकि ये गेहूँ का आटा है तो इसको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आटे को गूँथ कर मैंने रख दिया था। फिर इधर लिया था मैंने कढ़ाई रखा था, उसमें 1/2 चम्मच तेल डाला था, 1 चम्मच छोटे वाले चम्मच से मैंने जो है डाला था जीरा, साथ में 1/2 चम्मच मैंने सरसों डाला था। और दोनों चीज़ें तड़क जाने के बाद मैंने डाला था 4 हरी मिर्चें कट की थी, 2-3 लहसुन की कलियाँ कट कर ली थी। मिर्चें तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, एकदम छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा तीखा कम रखें, लेकिन ये सब चीज़ें थोड़ी तीखी अच्छी लगती है। और मुझे हरी मिर्च का फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसमें ज़्यादातर हरी मिर्च ही इस्तेमाल करती हूँ। और फिर जो है मिर्च और बहुत ज़्यादा उसको मतलब जलाएंगे नहीं, थोड़ा सा हो गया था तो मैंने 2 प्याज बड़े साइज के कट कर किए थे, और प्याज को मैंने फाइन नहीं बल्कि बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया था, डाल दिया था। और थोड़ा सा प्याज को भून लेंगे, प्याज को एकदम कलर नहीं बदलने तक भूनेंगे, थोड़ा सा बस ऐसा रहेगा कि क्रंची क्रंची जो है ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए प्याज का बस थोड़ा सा कलर बदल गया था। तो मैंने नमक डाल दिया था स्वाद के अनुसार। ये कचौड़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, और बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, इस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो प्याज जो है नमक डालने से थोड़ा सा जल्दी से गल गया था, थोड़ा सा कलर प्याज का बदल गया था। फिर मैंने मसाले डाल दिए थे, मैंने डाला था 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला था और 1 चम्मच जो है धनिया पाउडर डाला था, छोटे वाले चम्मच से ही 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच जो है जीरा पाउडर डाला था, लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा डाला था। तीखा अपने हिसाब से डालें जितना तीखा खाते हों, अगर तीखा नहीं पसंद है तो आप लाल मिर्ची पाउडर स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने जो है इसमें हरी मिर्च भी डाली है। तो और 1/2 चम्मच के लगभग मैंने आमचूर पाउडर डाला था। और सारी चीज़ों को एकदम गैस को लो फ्लेम कर दें और भूनते रहें ताकि जो है एकदम जले नहीं, फ्लेम जो है एकदम हाई रखेंगे तो मसाले जल जाएंगे। प्याज के साथ मसाले जो है थोड़ा सा 2 मिनट तक भून लिया था मैंने, और थोड़ा सा मैंने 1/4 के लगभग गरम मसाला डाला था। सारे मसालों को जो है अच्छे से भून लिया था, गैस को एकदम लो रखेंगे तो बिल्कुल भी देखिए जले नहीं थे, एकदम अच्छे से मसाले जो है भून गए थे, हमारी प्याज भी भून चुकी थी। थोड़ा सा क्रश करके मैंने जो है इसमें डाला था कसूरी मेथी, कसूरी मेथी से स्वाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, अगर हरी धनिया है तो आप डाल सकते हैं, वैसे मेरे पास नहीं था इस समय, धनिया जो है उतना अच्छा नहीं आता है इसलिए मैं बहुत कम धनिया लाती हूँ। तो सारे मसाले मैंने डाल दिए थे, मसाले लगभग भून चुके थे प्याज के साथ। अब इसमें जो है मैंने आलू डाल दिया था, आलू पहले से बॉयल करके ठंडा कर लिया था और इसको हाथों से ही मसल के मैंने डाल दिया था, क्योंकि एकदम बहुत फाइन आलू नहीं चाहिए, थोड़े से जो है आलू खड़े खड़े रहते हैं तभी जो है कचौड़ी में थोड़े अच्छे लगते हैं प्याज के साथ। तो जितना प्याज डाला था मतलब उतना ही मेरा आलू था, दोनों को बराबर मात्रा में डालें तभी जो है कचौड़ी का स्वाद एकदम जो है अच्छा आता है, परफेक्ट आता है। और ये देखिए कितना अच्छा भुनने में ही लग रहा था, महक काफ़ी अच्छी सोंधी सोंधी आ रही थी। तो बस आलू को बस 1 मिनट तक मसालों और प्याज के साथ मिला लेंगे तो बस हमारी ये कचौड़ी के मसाले जो है हो गए थे तैयार। इधर मेरा आटा भी तैयार हो गया था जो है, तो तब तक मैंने जो है एक छोटी सी लोई, लोई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी कचौड़ी पसंद हो ऐसा ले सकते हैं, थोड़ा सा आटा रख लें उसमें से लगा के जो है गोल सा एकदम बना के, और बीच में मैंने 1 चम्मच भर दिया था। फिलिंग जो है थोड़ा सा कम या अधिक हो सकता है, कम पसंद करते हैं तो कम डालें, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा, बस उसको अंगूठे से दाब दाब के इस तरह से भर लें और सारे कचौड़ियों को बस इस तरह से भर के दाब के और रख दें। पहले सारे कचौड़ियाँ भर लें, अगर तैयार रहेंगे तो फिर तलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके, और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसा लगा।
तो बस ये देखिए सारी जो है मैंने जो है अच्छे से इस तरह से सारी कचौड़ियाँ जो है भर ली थी। भरने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, एक बार आप भर के रख लेंगे तो फिर इसको तलने में जो है आसानी रहेगी। फिर तेल इधर मैंने रख दिया था, तेल तब तक गर्म हो रहा था। तेल को जो है एकदम अच्छे से गर्म कर लेंगे और मीडियम कर देंगे गैस को, एकदम मतलब तेल अच्छे से गर्म करके एकदम मीडियम कर देंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पर कचौड़ियाँ जलने का डर है। और फिर जो है जब एक तरफ कचौड़ियाँ हो जाए तब दूसरी तरफ इसको पलट देंगे और जितनी भी तेल में आ सके उतने ही डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालें। वैसे ये गेहूं के आटे की है तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस एक से दो से तीन मिनट लगते हैं, कचौड़ियाँ तैयार हो जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बच्चों को काफ़ी पसंद आई, तो मैंने बच्चों के लंच में भी दिया था। इसको सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ या फिर खट्टी मीठी चटनी के साथ, चाय के साथ, चाय के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और इस बरसात में तो चाय के साथ ही कचौड़ी का मज़ा ही कुछ और है। तो ज़रूर एक बार ट्राई करें, ट्राई करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा ये मेरी रेसिपी। तो बस बेल आइकन को एक बार ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो ही मैं वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बस इस तरह करके मैंने जो है दो से तीन बार में सारी कचौड़ियों को तल के निकाल लिया था। तो ये हो गई थी मेरी कचौड़ियाँ तैयार, काफ़ी ज़्यादा जायकेदार बनी थी, टेस्टी बनी थी, खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं, वो घूम घूम के ही इसको लेके खा लेते हैं, उनके लिए सास चटनी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं मिलती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।